नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सक्सेना और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द ट्रेंडिंग टाइम्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैनल में हाउसकीपिंग जीएसई की रिस्पांसिबिलिटी, हाउसकीपिंग जीएसई की ग्रोथ एंड हाउसकीपिंग जीएसई की सैलरी क्या होती है एंड हाउसकीपिंग जीएसई को काम क्या करना होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो होटल मैनेजमेंट करके आते हैं या हाउसकीपिंग डिप्लोमा करके आते हैं, जिनको हाउसकीपिंग के अंदर करियर बनाना है, वो उनके अंदर ये सारी चीजें, बहुत सारी इस तरीके के क्वेश्चंस उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। या वो दोस्त जो कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने जा रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में ये सारे डाउट आते हैं कि उनको कोई इंसान एक ऐसी बात बताए या इस तरीके की पिक्चर दे जो कि एकदम सच हो, जो एकदम क्लियरिटी दे उनके दिमाग में, जो उनको हेल्प करे कि उनको ये कोर्स करना चाहिए या ये डिग्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो, मैनेजमेंट स्किल्स से रिलेटेड वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। और कोई भी किसी भी तरीके का सजेशन हो तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करते हैं रिस्पांसिबिलिटी एंड जॉब करियर इन हाउसकीपिंग। तो दोस्तों जो हाउसकीपिंग जीएसए होता है उसकी जो जॉब स्टार्ट होती है वो होटल मैनेजमेंट कोर्स या डिप्लोमा करने के बाद आपको 6 महीने का या 3 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स करना होता है, जो कि आपको कॉलेज ही कराता है, और कॉलेज नहीं करा रहे तो आप खुद भी कर सकते हैं। उस कोर्स को करने के बाद आप एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं हाउसकीपिंग जीएसए की। तो आप हाउसकीपिंग जीएसए की कोर्स के बाद, हाउसकीपिंग ट्रेनिंग करने के बाद, हाउसकीपिंग जीएसए की 6 महीने की या 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आप हाउसकीपिंग जीएसए के लिए किसी भी 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हाउसकीपिंग हायरार्की का, हाउसकीपिंग की जो पूरे डिपार्टमेंट की हायरार्की है, उसका सबसे बेसिक और सबसे पहला पोजीशन है। इस पोजीशन पे आपको कम से कम 1 साल काम करने के लिए मैं सजेशन दूंगा। बहुत सारे लोगों को अगली पोजीशन जो कि हाउसकीपिंग सीनियर जीएसए या सुपरवाइजर होती है, वहां पहुंचने में 1.5 साल या 2 साल लग जाता है। बहुत सारे लोग जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, जो थोड़े से पढ़ने में उन चीजों को जल्दी ग्रैप कर लेते हैं, वो 1 साल में भी हाउसकीपिंग सीनियर जीएसए या सुपरवाइजर बन जाते हैं। बट दोस्तों अगर आप 2 साल में, 2.5 साल में भी बन रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज या डरने वाली या परेशान होने वाली या डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। ये एक डिसेंट टाइम है कि आप 1 साल से 2 साल में प्रमोशन लेते हैं। हाउसकीपिंग जीएसए में आपको जो होता है वो बेसिक होटल की अपकीप सिखाई जाती है, आपको उन सारे एरियाज में काम करना सिखाया जाता है, उन सारे बेसिक डिपार्टमेंट के अंदर, सब डिपार्टमेंट के अंदर काम करना सिखाया जाता है जो हाउसकीपिंग के अंदर होते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपका काम शुरू होता है वो होता है कि आपको ब्रीफिंग्स सिखाई जाती है, कि आपको ब्रीफिंग्स में किस तरीके से डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको डे टू डे ऑपरेशंस करनी है। आपको बहुत सारी ट्रेनिंग इन 1.5 साल के अंदर दी जाती है, जिसमें आपको बहुत सारी एसओपीज बताई जाती है, जिसमें आपको समझना होता है, सीखना होता है और पढ़ना होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस में किस तरीके की एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो एसओपी की फुल फॉर्म है, उनको किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। आपको बेड मेकिंग करनी होती है डेली, आपको रूम्स की क्लीनिंग करनी होती है, आपको बाथरूम की क्लीनिंग्स करनी होती है, आपको पब्लिक एरिया की क्लीनिंग करनी होती है। ये सारे काम जो है वो डे टू डे ऑपरेशंस में आपके 1 साल तक 1.5 साल तक आते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त और मित्रों को ये चीजें करने में बहुत मजा नहीं आता है, उनको लगता है कि यार क्या जॉब है, इसमें तो पूरा दिन हमको क्लीनिंग करवाया जाता है, साफ सफाई करवाई जाती है। दोस्तों मैं आपके दिमाग में ये चीज डालना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जॉब जो है आप 1 साल का डिप्लोमा करके, या कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो 3 साल का डिप्लोमा करके या 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री करके कर रहे होते हैं, और उस समय वो 1 साल 1.5 साल उनके लिए बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि वो ये सोच के आए होते हैं इंडस्ट्री में कि मैं सीधे होटल मैनेजमेंट करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर की पोजीशन लूंगा और कोट पहन के काम करूंगा। तो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, आप अगर डायरेक्ट कोट पहन लेंगे तो आपको ग्राउंड लेवल का काम कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरीके से टीम को हैंडल करना है, और जो बेसिक नीड है, जो बेसिक एसओपीज हैं, उनको किस तरीके से क्रॉस करना है, उनके अंदर आपकी ग्रिप नहीं होगी, आपको माइन्यूट चीजों को मेंटेन करना नहीं आता होगा, आपको लिनन की नॉलेज नहीं होगी, आपको अपॉजिट्री की नॉलेज नहीं होगी, आपको फ्लोर की नॉलेज नहीं होगी, आपको मार्वल्स की नॉलेज नहीं होगी, आपको पेंट्स की नॉलेज नहीं होगी, आपको स्किल्स की नॉलेज नहीं होगी, आपको टीम की नॉलेज नहीं होगी, आपको मैनेजमेंट स्किल्स की नॉलेज नहीं होगी, आपके अंदर लीडरशिप नहीं आएगी, आप ट्रेनिंग्स नहीं ले पाएंगे, आप ब्रीफिंग्स नहीं ले पाएंगे, आपको चेकलिस्ट की नॉलेज नहीं होगी। ये मैंने कुछ छोटे एग्जांपल दिए हैं। इसके अलावा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का जो जीएसए का रोल है वो बहुत ही बड़ा है।
आपको ट्रॉली सेट करना सिखाया जाता है, आपको कैडी सेट करना सिखाया जाता है, आपको पेंट्री सेट करना सिखाया जाता है, आपको काउंटिंग करना सिखाया जाता है, आपको इन्वेंट्रीज लेना सिखाया जाता है, आपको रूम कॉस्ट निकालना सिखाया जाता है। ये वो सारी चीजें मेरे दोस्तों जो आपको हाउसकीपिंग जीएसए और सीनियर जीएसए में सीखनी चाहिए, या आपको अपने सुपरवाइजर से अपने मैनेजर से पूछना चाहिए कि बॉस ये सब पॉइंट क्या होते हैं, मुझे ये सब भी सीखना है। अगर आप डे टू डे ऑपरेशंस में घुसेंगे, चीजों को समझेंगे, चेकलिस्ट को पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको बिना पूछे भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। एक से डेढ़ साल, दो साल के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और जब आप ट्रेनिंग सुपरवाइजर बनेंगे तो ये सारी चीजें आप खुद भी करेंगे। तो हाउसकीपिंग जीएसए जो होता है वो बेसिकली इन सारी चीजों को बहुत ही बेसिक लेवल पे करता है। अब बात जो मैंने पहले बोली कि आपको काम करने में झिझक होती है, तो दोस्तों आप समझो, आप वहां पे वो सरफेस, वो रूम्स को क्लीन नहीं कर रहे हो, आप जो है उस एसओपी को फॉलो कर रहे हो, उस स्टैंडर्ड को समझ रहे हो, उस साइंस को समझ रहे हो कि इनको किस तरीके से क्लीन किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई होप कि आपको समझ में आएगा कि आपने एक जर्रा एक चीज बोल दी, एक जेनरिक लैंग्वेज बोल दी, क्लीनिंग कर रहे हैं। नहीं बॉस, आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो कि केमिकल का डाइल्यूशंस क्या होते हैं, केमिकल की केमिस्ट्री क्या होती है, फ्लोर्स कितने तरीके के होते हैं, लिनन कितने तरीके के होते हैं, थ्रेड काउंट क्या होता है, यार्न काउंट क्या होता है, आपकी अपहोल्स्ट्री क्या होती है, और इन सबको क्लीन करने का तरीका क्या होता है, कितने तरीके के बाथटब होते हैं, कितने तरीके के रूम होते हैं, कितने तरीके के केमिकल कैडीज में होने चाहिए, कितने तरीके के टूल्स होते हैं, कितने तरीके के इक्विपमेंट होते हैं, कितने तरीके के केमिकल्स होते हैं। ह्यूज ह्यूज साइंस। ये सब करने के लिए आपको एक से डेढ़ साल हाउसकीपिंग जीएसए और सुपरवाइजर का काम अगले एक डेढ़ साल करना ही है। अगर आप नहीं करेंगे, आप फ्लॉप हो इंडस्ट्री के अंदर, आपको वो बेसिक्स कभी क्लियर ही नहीं होंगे। आप डायरेक्ट अगर कोट पहनने का सोच रहे हो, बॉस आई एम सॉरी, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप होटल के अंदर फ्लॉप हाउसकीपर बनोगे। और अगर आपने ये सारे काम करे हैं, आपने पीपीएम करा है, आपने डीप क्लीनिंग करी है, हाई क्लीनिंग करी है, तो आपको एक फैंटास्टिक हाउसकीपर बनने में हेल्प होगी, आपको एक टीम के ऊपर ग्रिप होगी और आपकी टीम आपसे सीखेगी, आप उसको सिखा पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउसकीपिंग जीएसए की जो रोल्स होते हैं और जो काम होता है वो क्या होता है और वो क्यों जरूरी है। अब मैं बात करता हूं सैलरी की। तो सैलरी जो है ना वो इंडिया में स्टार्ट होती है 8,000 से लेकर के 18,000-20,000 तक हाउसकीपिंग जीएसए की होती है। ये टाउन्स और सिटीज के हिसाब से होती है। जो सी क्लास या बी क्लास सिटीज है वहां पे आपको 8,000-9,000 रुपए मिलेंगे प्लस सर्विस चार्ज या टैक या टिप्स वगैरह मिलती है, तो वो इंक्लूड होता है, बट आपकी सैलरी 8,000-9,000 रुपए इन हैंड होती है। आप बी क्लास सिटीज में जाएंगे वहां पे 12,000-14,000 होगी, ए क्लास में जाएंगे वहां पे 15,000-16,000 होगी, और अगर आप ए प्लस में जा रहे हैं तो वहां पे आपको 17,000-18,000 मिल जाएगी। और अगर आप सेम पोजीशन के लिए दुबई या फॉरेन जा रहे हैं या वहां पे काम कर रहे हैं या सिंगापुर काम कर रहे हैं, कनाडा काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको 24,000-25,000-22,000 रुपए मिल जाएंगे। और अगर आप सेम चीज क्रूज में जाकर के कर रहे हैं तो वहां पे आपका पैकेज जो है वो 30,000-40,000 रुपए इस पोजीशन के लिए होगा। एंड व्हेन एवर यू स्टार्ट गोइंग ऑन अ नेक्स्ट पोजीशन, फॉर अ नेक्स्ट पोजीशन, ये सैलरी में 30% का हाइक आ जाता है, 20-30% का हाइक आ जाता है, और आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। टेन्योर मैंने आपको बता दिया कि इस पोजीशन पे आपको 1-1.5 साल रहना चाहिए, ये सारी चीजें आपको 1-1.5 साल में बेसिक इनका सबका सीखना है। नॉट सेइंग कि आप साइंटिस्ट बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या मास्टर बन जाओ इन सब चीजों में, क्योंकि सेम चीजों का अपग्रेड वर्जन जो होता है वो सुपरवाइजर होता है। उस पोजीशन पे भी आप सेम चीजें सीखेंगे और उसके बाद आपका जो ये पूरा जीएसओ सुपरवाइजर वाला टेन्योर खत्म होता है, तब आप इसके थोड़े थोड़े मास्टर बन चुके होते हैं और बाकी की फर्दर चीजें आप एएम पोजीशन पे और आगे फर्दर पोजीशन पे सीखते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैसेज बॉक्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको लिखिए। जल्दी मिलते हैं एक नई और एक एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।